हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की लेक्चर सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर शुरू है। उसमें हम यूनिट वन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। और अब तक के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में डिटेल में जाना। अब आइए, इस लेक्चर में हम दूसरी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यानी कि वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इसे ही WEDM कहते हैं, तो इस वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं डिटेल में WEDM। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ WEDM, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें ये सर्कुलर वर्कपीस है और इस वर्कपीस के अंदर हमें ये स्लॉट बनाना है, इस तरह का स्लॉट प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह का स्लॉट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ टूल वायर के फॉर्म में यूज किया है। तो वायर एक्ट एज अ टूल, और वायर एज अ टूल यूज करके ये स्लॉट हमने इस वर्कपीस में प्रोड्यूस किया है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम प्रिंसिपल में जानेंगे। तो इन वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग दैट इज WEDM, ए वायर, ये जो टूल वायर हम यूज कर रहे हैं, इसका डायमीटर 0.05 टू 0.30 mm तक होता है। 0.05 mm टू 0.30 mm इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग जो पहले हमने प्रोसेस देखी, उसमें टूल कैसा होता था, जो शेप हमें चाहिए वर्कपीस पर, जो शेप चाहिए बिल्कुल वही, उसी शेप का हम इलेक्ट्रोड और टूल बनाते थे। तो टूल इज अ रिप्लिका और मिरर इमेज इन केस ऑफ कन्वेंशनल EDM प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में हम टूल यानी वायर यूज कर रहे हैं, और एंड इट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोड एंड डीआयोनाइज्ड वाटर एज ए डाइइलेक्ट्रिक फ्लू। तो कन्वेंशनल EDM प्रोसेस में हम क्या यूज करते थे, पैराफिन ऑयल और केरोसिन, दैट लिक्विड्स आर यूज्ड एज डाइइलेक्ट्रिक फ्लूड इन EDM। बट इन WEDM डीआयोनाइज्ड वाटर इज यूज्ड एज डाइइलेक्ट्रिक फ्लू। ठीक है, ओके। A nozzle is employed to inject the dielectric fluid in the machining area in wire EDM. ठीक है, तो हम flushing की बहुत सारे method हमने देखी EDM process में, तो वो methods हम यहाँ use नहीं कर सकते। तो यहाँ उसमें से एक method जो jet flushing थी वो यहाँ हम use करते। A nozzle is employed to inject the डाइइलेक्ट्रिक फ्लूड इन द मशीनिंग एरिया इन वायर EDM और वायर कट EDM। इलेक्ट्रोड्स दैट इज वायर एंड वर्क पीस आर कनेक्टेड टू पल्स DC सप्लाई। तो जो इलेक्ट्रोड्स यानी कि हमारी वायर और ये वर्क पीस बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर कनेक्टेड टू DC पावर सप्लाई। एंड हीट जनरेटेड ड्यू टू स्पार्किंग, ये जो बीच में गैप है, ये वर्क पीस का मटेरियल और ये वायर, इसके बीच में कुछ गैप मेंटेन किया जाता है, उसे हम स्पार्क गैप कहेंगे। और इस स्पार्क गैप में स्पार्किंग की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो इट रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस यहाँ का मेल्ट होता है एंड वायर मटेरियल ऑल्सो, एंड समटाइम्स पार्ट ऑफ द मटेरियल में इवन वेपराइज लाइक इन कन्वेंशनल EDM।
समटाइम्स क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट वेपराइज भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेटल रिमूव होता है ड्यू टू हीट जनरेशन, ड्यू टू स्पार्किंग, यहाँ का मेटल रिमूव होता है। एंड ए कॉन्स्टेंट गैप बिटवीन टूल दैट इज वायर एंड वर्क पीस इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। द वायर कट ईडीएम में कंप्यूटर कंट्रोल पोजिशनिंग सिस्टम यूज की जाती है कॉन्स्टेंट गैप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन दिस सिस्टम इज यूज टू कट थ्रू कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टूर्स स्पेशली इन डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल, मतलब थ्रू अगर शेप चाहिए वर्क पीस में, थ्रू कॉन्टूर्स चाहिए, तो इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस गिव्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड गुड सरफेस फिनिश देन ईडीएम। ईडीएम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में हाई एक्यूरेसी मिलती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें मिलती है और सरफेस फिनिश बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। देन सेटअप के बारे में जानेंगे अब, WDM का सेटअप देखते हैं कैसा है। तो ये आप सेटअप देख सकते हैं, ये जो है ये वर्क टेबल है, उस पर ये वर्क पीस रखा गया है और वर्क पीस पर हमें ऐसा शेप चाहिए। अब वो कैसा शेप चाहिए वो तो ड्राइंग में होगा, उस तरह का शेप हम इस वायर का यूज करके जनरेट करें। तो ये मशीनिंग करते करते यहाँ तक वायर पहुंचे, ये इसमें दिखाया गया। तो ये वर्क पीस है और ये टूल यानी कि वायर, और थ्रू है, देखो थ्रू वायर के लिए ये अपर वायर गाइड है और ये लोअर वायर गाइड, तो ये दोनों वायर को गाइड करेंगे, मतलब गैप मेंटेन करने के लिए। तो ये वायर गाइड हुए, ये भी एक गाइड है और ये वायर फीड है, यहाँ वायर इस पर मतलब होगी, तो वो ये वायर छोड़ेगा वायर फीड, और ये वायर धीरे धीरे यहाँ की जो बर्न वायर होगी वो यहाँ ऊपर जाएगी और इससे पास होके टेकअप रील, मतलब ये वायर को ये रोटेट होके ये वायर यहाँ अपने पास लेगी, ठीक है, यूज्ड वायर। तो ये टूल वायर के बारे में हुआ, ये वर्क पीस, देन ये टेपर एंगल, टेपर एंगल प्रोवाइड किया जाता है। देन ये टेबल को मोमेंट देने के लिए एक्स एक्सिस, ये टेबल की मोमेंट के लिए वाई एक्सिस है, ये इस वायर की मूवमेंट करने के लिए यू ड्राइव वी ड्राइव दोनों होते हैं, और इन सब पर कंट्रोल कौन करता है, ये सीपीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और उसको एनसी टेप दिया जाता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल टेप दिया जाता है प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के हिसाब से ये सब रन होता है, ठीक है। और वर्क पीस पर उस टाइप का जो हमें शेप चाहिए वो प्रोड्यूस होता है, वैसा प्रोविजन प्रोग्राम में किया जाता है, ठीक है, वैसा प्रोग्राम प्रोग्राम बनाया जाता है और ये सीपीयू के माध्यम से वो प्रोग्राम रन किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं एक एक इस सेटअप में जो एक एक कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहला कंपोनेंट है पावर सप्लाई सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम, वायर कट ईडीएम पावर सप्लाई सिस्टम डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल ईडीएम पावर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। कन्वेंशनल जो ईडीएम हमने प्रोसेस देखी पहली, और ये वाली वायर कट ईडीएम, इसमें पावर सप्लाई में एक ही बेसिक डिफरेंस है और वो है पल्स फ्रीक्वेंसी, उसमें पल्स फ्रीक्वेंसी कम थी, इसमें पल्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसमें पल्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज अबाउट 1 मेगाहर्ट्स, 1 मेगाहर्ट्स तक पल्स फ्रीक्वेंसी का पावर सप्लाई यहाँ इस प्रोसेस के लिए सप्लाई किया जाता है। देन इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड क्रैटर साइज और बेटर सरफेस फिनिश, क्रैटर मीन्स मशीनिंग स्क्रैचेस, वो इस प्रोसेस में कम आते हैं, यानी कि बेटर सरफेस फिनिश हमें इस मशीनिंग प्रोसेस में मिलता है।
Then, however, because of very small wire size, it usually cannot carry current more than 20 ampere. ये वायर का डायमीटर बहुत छोटा होता है, मतलब 0.05 mm टू 0.3 mm, बहुत छोटा डायमीटर है. तो छोटा डायमीटर होने की वजह से ये वायर 20 और 30 एम्पियर तक का ही करंट कैरी कर सकती है, उससे आगे हम करंट को बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, तो वहां तक ही करंट कैरी हो. तो ये एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं इस प्रोसेस. देन सेटअप में दूसरा कंपोनेंट है डाइलेक्ट्रिक सिस्टम, डाइलेक्ट्रिक फ्लूड सिस्टम. अब इस डायग्राम में नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये वर्कपीस और टूल ये दोनों डाइलेक्ट्रिक फ्लूड में इमर्सड होना जरूरी है इस प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के. ठीक है, नाउ वाटर इज लाइकली सब्स्टिट्यूट फॉर केरोसिन एज डाइलेक्ट्रिक इन ईडीएम. हमने ईडीएम प्रोसेस में देखा था पैराफिना ऑयल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स और केरोसिन, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूड हम वहाँ यूज करते थे. लेकिन इस मशीनिंग प्रोसेस में केरोसिन और ऑयल्स के जगह पर इंस्टेड ऑफ दैट केरोसिन ऑयल, वाटर इज डीआयनाइज्ड वाटर इज यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक फ्लूड. एंड इट इज एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी. वाटर अट्रैक्टिव है बिकॉज इट इज अवेलेबल एनीवेयर. देन डिजायरेबल थर्मल प्रॉपर्टीज, इट हैज अ डिजायरेबल थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मल प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए वो हमें वाटर से मिलती है. देन वाटर की विस्कोसिटी लो है, लो विस्कोसिटी एंड पोल्यूशन फ्री वर्किंग. इसका यूज करने से कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए पोल्यूशन फ्री वर्किंग होता है, तो इसलिए वाटर इस प्रोसेस में यूज किया जाता है. एंड इट यूज हायर MRR, ये हायर मटेरियल रिमोल रेट भी देता है और साथ साथ बेटर सरफेस फिनिश भी मिलता है. तो अंडर द आइडेंटिकल मशीनिंग कंडीशन, मतलब EDM केरोसिन का यूज करके जो मशीनिंग कंडीशन होगी और वाटर यूज करके जो मशीनिंग कंडीशंस है वो उसकी अगर तुलना करें तो उसमें वाटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए उसे डाइलेक्ट्रिक फ्लूड यूज किया जाता है वायर कट EDM. देन सेटअप का तीसरा कंपोनेंट है पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब ये जो एक्सिस ड्राइव है, एक्स एक्सिस ड्राइव, वाई एक्सिस ड्राइव, यू एक्सिस ड्राइव, वी एक्सिस ड्राइव, उसे जो कंट्रोल करने वाली सिस्टम उसे पोजिशनिंग सिस्टम हम कहेंगे. तो ये वर्कपीस और टूल की मूवमेंट के लिए ये पोजिशनिंग सिस्टम है. तो देखते हैं, यूजुअली पोजिशनिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड न्यूमरिकल कंट्रोल टू एक्सिस टेबल. कंप्यूटराइज्ड न्यूमरिकल कंट्रोल CNC यूज की जाती है. ये CNC टेप हम देख रहे हैं, तो ये प्रोग्राम होता है, कंप्यूटराइज न्यूमरिकल कंट्रोल प्रोग्राम होता है. ये प्रोग्राम CPU को दिया जाता है और उसके हिसाब से ये यहाँ के सारे मूवमेंट होते रहते हैं. ठीक है, तो CNC उसे कहेंगे पोजिशनिंग सिस्टम. हावेवर इट ऑपरेट्स इन एन एडाप्टिव कंट्रोल मोड so that in case wire approaches very near to the workpiece or a gap is breached by debris and causes a short circuit, the positioning system should be capable to sense it. मतलब यहाँ का gap बढ़ जाता है कभी कभी, तो वो sense करना चाहिए. तो ये control system है, वो उसे भी sense करती है. और यहाँ machining शुरू है तो यहाँ डेब्रिज पार्टिकल्स होंगे, यानी कि चिप्स होंगे, मोल्टन मेटल होगा. तो वो मोल्टन मेटल इस गैप में रहने की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है. तो यहाँ डेब्रिज पार्टिकल्स या मोल्टन मेटल है, ये भी इस सिस्टम को सेंस करना चाहिए, तभी अच्छी तरह से वर्किंग हो सकता है. तो ऐसा ये कंट्रोल सिस्टम ऐसी होती है कि ये सब सेंस कर सकती है. देन WDM का
चौथा कंपोनेंट वायर ड्राइव सिस्टम, ये टूल को ड्राइव करने के लिए। अब टूल को ड्राइव करने की क्या जरूरत है? अब यहाँ आपको पता है कि वायर का डायमीटर होता है 0.05 to 0.3 mm तक का, तो इतना छोटा डायमीटर होने की वजह से, अब यहाँ स्पार्किंग की वजह से हाई हीट जनरेट होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो इस हाई टेम्परेचर में सिर्फ वर्कपीस पर का ही मेटल मेल्ट नहीं होता, वायर का मेटल भी बर्न होता है, तो यहाँ जो यूज्ड वायर है, बर्न वायर है, वो यहाँ से जानी चाहिए और फ्रेश वायर यहाँ एंटर होनी जरूरी है। तो यहाँ फ्रेश वायर को लाने के लिए ये वायर फीड सिस्टम यूज की जाती है, वायर ड्राइव सिस्टम। दिस सिस्टम सर्व टू पर्पजेस, ये सिस्टम दो काम करती है। पहला, कंटिन्यूसली डिलीवर्स फ्रेश वायर, यहाँ से फ्रेश वायर कंटिन्यूस डिलीवर होती है, एंड ऑलवेज कीप्स द वायर अंडर अप्रोप्रिएट टेंशन, और ये इस वायर को जो जितना टेंशन चाहिए उस टेंशन में रखने का काम ये वायर ड्राइव सिस्टम करती है, सो दैट इट मूव्स इन द मशीनिंग जोन एज अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, दो काम है वायर ड्राइव सिस्टम के, फर्स्ट इज कंटिन्यूसली डिलीवर्स फ्रेश वायर, फ्रेश वायर कंटिन्यूसली डिलीवर करनी पड़ती बिकॉज यहाँ वायर बर्न होती, तो यूज्ड वायर फिर करंट कैरी नहीं करती या मशीनिंग ठीक से नहीं कर सकती, तो यहाँ फ्रेश वायर की जरूरत होती। तो पहला फंक्शन क्या है, इट डिलीवर्स फ्रेश वायर, एंड सेकंड इज कीप वायर अंडर अप्रोप्रिएट टेंशन सो दैट इट मूव्स इन द मशीनिंग जोन एज अ स्ट्रेट वायर, वायर स्ट्रेट रहनी भी जरूरी होती है एक्यूरेट मशीनिंग के लिए। तो ये दो फंक्शन वायर ड्राइव सिस्टम के, एंड इट हेल्प्स टू मिनिमाइज टेपर देन स्ट्रिक्स एज वेल एज वाइब्रेशन मार्क्स, वायर में टेंशन होने की वजह से टेपर मिनिमाइज होता है, वाइब्रेशन मार्क्स मिनिमाइज होते हैं, स्ट्रिक्स मिनिमाइज होते हैं। ठीक है, देन इट ऑल्सो मिनिमाइजेस द वायर ब्रेक्स ड्यूरिंग मशीनिंग, अप्रोप्रिएट टेंशन होने की वजह से और फ्रेश वायर कंटिन्यूसली वहाँ छोड़ने की वजह से क्या होता है, वायर ब्रेक्स मिनिमाइज होते हैं। ठीक है, ऑन द वे व्हाइल मूविंग टू द मशीनिंग जोन वायर इज गाइडेड बाय सेफायर और डायमंड वायर गाइड्स, ये जो वायर गाइड्स है डायमंड के होते हैं, इस पर से वायर यहाँ सप्लाई होती है, मूव होती है। ठीक है, मशीनिंग जोन देन एज इट मूव टूवर्ड द टेकअप स्पूल, ये टेकअप स्पूल है, द वायर पासिस थ्रू ए सीरीज ऑफ टेंशनिंग रोलर्स। ठीक है, ये टेकअप स्पूल है और टेकअप रील है, तो यहाँ तक आने के लिए वायर को इस टेंशनिंग रोलर से, इन टेंशनिंग रोलर से पास होना पड़ता है। ठीक है, तो ये है वायर ड्राइव सिस्टम। नाउ लार्ज डायमीटर दैट इज 0.15 to 0.30 mm वायर्स आर यूज्ड इन वायर ईडीएम एंड आर मेड अप ऑफ कॉपर और ब्रास, व्हाइल स्मॉल डायमीटर वायर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम स्टील, जो वायर इलेक्ट्रोड WDM में यूज होता है, लार्ज डायमीटर की वायर्स कॉपर और ब्रास से बनाई जाती है और जो स्मॉल डायमीटर की वायर्स है वो मॉलिब्डेनम स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये था सेटअप। अब आइए वर्किंग जानते हैं। वर्किंग बहुत सिंपल है, हमने प्रिंसिपल में ही देखा है। तो इन वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ए वायर अबाउट 0.05 to 0.3 mm डायमीटर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड एंड डीआयनाइज्ड वाटर एज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ओके, ये सब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में इमर्स होगा, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, लेकिन ये सब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में इमर्स्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर ही ये प्रोसेस होगी। ठीक है, देन नोजल इज एम्प्लॉयड टू इंजेक्ट द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन द मशीनिंग एरिया इन वायर ईडीएम, नोजल का यूज करके डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इस जोन में छोड़ा जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोड्स दैट इज अ वायर एंड वर्क पीस आर कनेक्टेड टू पल्स डीसी सप्लाई। हमने देखा डीसी सप्लाई को वायर और वर्क पीस कनेक्ट किए जाते हैं, तो वो एनोड और कैथोड का काम करते हैं। वर्क पीस एनोड होता है, वायर कैथोड। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूड हमें पता है, ईडीएम में हमने देखा है, बिल्कुल वैसा ही वर्किंग है। स्पार्क गैप जन मेंटेन किया जाता है, और स्पार्क गैप में हाई स्पार्किंग की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है, और उस हीट हाई हीट की वजह से वर्क पीस पर जो मटेरियल है स्पार्क गैप स्पार्क रीजन के पास का, वो मेल्ट होता है और वहाँ से रिमूव होता है, कभी कभी वेपराइज होता है। ठीक है, तो हीट जनरेटेड ड्यू टू स्पार्किंग रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ वर्क पीस एंड वायर मटेरियल एंड समटाइम्स पार्ट ऑफ द मटेरियल में इवन वेपराइज लाइक इन कन्वेंशनल ईडीएम। और वेपराइज होके वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है। हम जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूड हाई वेलोसिटी से नोजल से नोजल का यूज करके जो छोड़ रहे हैं, वो उस मेल्टन मोल्टन मेटल को रिमूव करता है वहाँ से स्पार्क गैप से, तो फ्रेश डाइलेक्ट्रिक फ्लूड आने की वजह से आगे ऑपरेशन शुरू रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट गैप बिटवीन टूल एंड वर्क पीस इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये था वर्किंग। नाउ अब देखते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स। तो पहला प्रोसेस पैरामीटर है डिस्चार्ज करंट। डिस्चार्ज करंट, तो एज अ डिस्चार्ज करंट देर इज इंक्रीज इन डिस्चार्ज करंट, इट रिजल्ट्स इन हायर EMR। इंक्रीज इन डिस्चार्ज करंट रिजल्ट्स इन हायर EMR। जितना डिस्चार्ज करंट इंक्रीज हम करेंगे उतना मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज हो। ठीक है, और ये डिस्चार्ज करंट कितना होता है, 20 to 30 एम्पीयर। हमें पता है कि वायर का डायमीटर छोटा होने की वजह से हम इतना ही करंट वायर से पास कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस पैरामीटर है पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन, अब इंक्रीज इन पल्स ड्यूरेशन रिजल्ट्स इन हायर मटेरियल रिमूवल रेट एंड इट आल्सो रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सरफेस फिनिश। जितना हायर मटेरियल रिमूवल रेट होगा उतना सरफेस फिनिश हमें पुअर मिलेगा। ठीक है, तो जितना पल्स ड्यूरेशन हम इंक्रीज करेंगे तो हमें हायर MRR मिलेगा, लेकिन सरफेस फिनिश हमें पुअर मिलेगा। देन तीसरा प्रोसेस पैरामीटर है पल्स फ्रीक्वेंसी। पल्स फ्रीक्वेंसी हमने देखी, इस प्रोसेस में 1 MHz तक की पल्स फ्रीक्वेंसी होती है, तो इंक्रीज इन पल्स फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन हायर मटेरियल रिमूवल। पल्स फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा हमें मिलेगा। देन चौथा प्रोसेस पैरामीटर कटिंग रेट। कटिंग रेट, ठीक है, और मशीनिंग रेट कहेंगे। तो वायर का स्पीड होता है 2.5 to 150 mm/s, ये वायर का स्पीड होता है। एंड डिपेंड्स ऑन कटिंग रेट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस की थिकनेस कितनी है उस पर कटिंग रेट डिपेंड है। तो कटिंग रेट जनरली कितना होता है, 10 to 15 mm² per minute, 10 to 15 mm² per minute, इतना मटेरियल एक मिनट में रिमूव हम कर सकते हैं इस प्रोसेस में। तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए इस प्रोसेस में वर्क पीस की, ज़्यादा से ज़्यादा हम 90 mm तक की थिकनेस के वर्क पीस पर ही हम इस प्रोसेस का यूज करके मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, 90 mm। नाउ फिफ्थ इज वायर टेंशन। तो वायर में कितना टेंशन हो सकता है, 50% to 60% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, इतना ही हम वायर पर टेंशन दे सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ डाइलेक्ट्रिक फ्लो। तो डाइलेक्ट्रिक फ्लो कंटिन्यूस होना जरूरी है इस मशीनिंग प्रोसेस में, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक फ्लूड में ही स्पार्क गैप और स्पार्क जनरेट हो सकते हैं, हीट जनरेट होती है, तो कंटिन्यूस डाइलेक्ट्रिक फ्लो होना जरूरी है डाइलेक्ट्रिक फ्लूड का, ताकि वहाँ की हीट वहाँ का मोल्टन मेटल वो रिमूव हो सके,
वर्क पीस कूल रहे, टूल थोड़ा सा कूल रहे, और डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे स्पार्क गैप में, इसके लिए फ्रेश डाइलेक्ट्रिक फ्लूड का फ्लो कंटिन्यूस होना जरूरी है ना। इनअप टू ऑल द स्पार्क अलो द स्पार्किंग, इनअप फ्लो भी होना जरूरी है। ये थे 6 प्रोसेस पैरामीटर्स। अब आइए देखते हैं वायर कट ईडीएम के एडवांटेजेस। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ये मशीनिंग प्रोसेस अच्छी है। तो स्ट्रेट होल्स कैन बी प्रोड्यूस टू क्लोज टॉलरेंस, मतलब बहुत क्लोज टॉलरेंस हमें मिल सकता है स्ट्रेट होल्स प्रोड्यूस करते समय इस प्रोसेस में। देन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हमें हाई एक्यूरेसी हमें मिल सकती है इस प्रोसेस का यूज करके। देन गुड सरफेस फिनिश हम पा सकते हैं, गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन। वेरी शार्प एंगल्स कैन बी कट विथ ऑलमोस्ट नो रेडियस। हमने ईडीएम प्रोसेस में पहले देखा था कि ओवर कट होता है या अंडर कट होता है या रेडियस रहती है, टेपर हो जाता है होल, वैसा है इस प्रोसेस में कुछ नहीं होता। बिकॉज वायर थ्रू वर्क पीस के थ्रू वायर पास होती है तो सारी जगह होती है, तो टेपर नहीं होता, सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है। और वेरी शार्प एंगल होगा तो भी हम विदाउट बिना रेडियस का हमें वो शार्प कट हम ले सकते हैं किसी भी वर्क पीस पर, ठीक है। देन एलिमिनेट्स इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ पोस्ट मशीनिंग एंड हीट ट्रीटिंग, मतलब टेपर होल होगा तो हमें फिर से मशीनिंग करना पड़ेगा दूसरी प्रोसेस यूज करके, तो यहाँ कोई टेपर वगैरह रहता नहीं। शार्प एंगल्स हम ले सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, क्लोज टॉलरेंसेस हम मिला सकते हैं, तो यहाँ कोई पोस्ट मशीनिंग करने की जरूरत नहीं, हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज ऑलरेडी हाई टेम्परेचर वर्क पीस का हो जाता है, उसका कूलिंग होता है यानी क्वेंचिंग होता है, तो हीट ट्रीटमेंट दूसरी करने की भी जरूरत नहीं होती। देन इट इज बर फ्री पार्ट्स आर प्रोड्यूस यूजिंग दिस मशीनिंग प्रोसेस। बर कुछ मतलब रहती नहीं मशीनिंग एरिया पर, यह भी एक एडवांटेज है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ वायर कट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। नाउ अब कोई कुछ भी हो उसे एडवांटेजेस हो गए तो कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस तो होंगे ही, तो आइए जानते हैं क्या लिमिटेशंस है इस मशीनिंग प्रोसेस के। तो पहला लिमिटेशन है वायर कैन नॉट बी रियूज, मतलब जो हम इलेक्ट्रोड वायर यूज कर रहे हैं एज अ टूल वो हम रीयूज नहीं कर सकते, बिकॉज वायर बर्न हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वो वायर हम फिर से यूज नहीं कर सकते, ये एक डिसएडवांटेज है। देन सेकंड इज द प्रॉपर टेंशन इन वायर इज नॉट मेंटेन, द सरफेस फिनिश विल बी पुअर। प्रॉपर टेंशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में वायर में, अगर ये नहीं होगा तो हम अच्छा सरफेस फिनिश नहीं पा सकते, ठीक है। देन ओनली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल कैन बी मशीन, वर्क पीस कैसे होने चाहिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव जो जो मटेरियल्स हैं उस पर ही हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द वर्क पीस, ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी वर्क पीस में आती है मशीनिंग प्रोसेस करते समय। देन अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वर्क पीस विच कैन बी मशीन इज अराउंड 90 mm, मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम कितनी डेप्थ वर्क पीस की हम मशीन कर सकते हैं 90 mm तक की, ठीक है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस। अब आइए देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है। तो ये पंचेस एंड डाइज यूज्ड इन प्रेस टूल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग वायर कट ईडीएम प्रोसेस। देन प्रोडक्शन ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज, देन कटआउट कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर्स इन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव वर्क पीसेस, कॉम्प्लेक्स शेप हो गए तो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डब्ल्यू ईडीएम का यूज करके। देन सिलिंड्रिकल पे पिन्स एज स्मॉल एज 5 mm इन डायमीटर कैन बी मशीन, सिलिंड्रिकल पिन्स हम बना सकते हैं 5 mm तक के डायमीटर की। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अप्रोप्रिएट कमेंट करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बिकॉज़ आगे आने वाले इस लेक्चर सीरीज़ में जो आगे वीडियो आने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। हम अभी बहुत सारे प्रोसेसेस देखने वाले, सीएनसी के बारे में हम पढ़ने वाले, मिलिंग के बारे में हम पढ़ने वाले, गियर कटिंग के बारे में हम इसी लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो ये सब लेक्चर के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आ सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ उसके पास जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और कृपया कृपा करके सिर्फ खुद के लिए ही लिमिटेड वीडियो ना रखें। आपके मैकेनिकल के जो फ्रेंड्स होंगे उन तक भी इस वीडियो के लिंक आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। तो मैं प्रवीण निकम अब आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलूंगा। तो तब तक थैंक यू वेरी मच।